नमस्कार दोस्तों, मैं रंजू आपके सामने एक बहुत ही खास वीडियो सिग्नल सिस्टम से लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहां पे सिग्नल आपको बताऊंगा। सिग्नल कौन कौन से होते हैं, सिग्नल का मतलब क्या है, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल क्या है, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, समझिएगा कि सिग्नल होता क्या है और हम किसी भी सिग्नल को पहचानते कैसे हैं। जो JEE लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देर ना करते हुए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ अ सिग्नल, तो आप समझिएगा कि सिग्नल है क्या। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिग्नल की, तो सिग्नल इज़ अ टाइम वेयरिंग फिजिकल फिनोमना। मैंने क्या बोला, सिग्नल इज़ अ टाइम वेयरिंग फिजिकल फिनोमना। सिग्नल एक टाइम वेयरिंग फिजिकल फिनोमना है, इंटेंडेड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी फिजिकल, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी इस वक्त बोल रहा हूँ, ये एक टाइम वेयरिंग फिजिकल सिग्नल निकल रहा है, ठीक है। जब मैं इस सिग्नल को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से फ्रिक्वेंसी डोमेन में चला जाता है। तो अभी ये टाइम डोमेन फंक्शन है, सिग्नल इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये एक टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है। सिग्नल इज़ अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक या दो से अधिक वेरिएबल से मिलके ये बन सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल लिखा है YT=X2T लिखा है, ठीक है, प्लस X4T लिखा है, कुछ भी इस प्रकार से आपको सिग्नल दे देते हैंगे, कुछ भी सिग्नल का एक फिनोमेना होगा, ठीक है। तो वो सभी क्या होगा, एक टाइम का फंक्शन होगा और कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलके बना होगा, जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे वॉइस सिग्नल देख सकते हैं, वीडियो सिग्नल, सिग्नल ऑन टेली फोन्स वायर, जो भी आप बोल रहे हैं वो सारा क्या है आपका, ये आपका सिग्नल है। नॉइज इज ऑल्सो अ सिग्नल, ठीक है, जो भी नॉइज, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ अगर बीच में कोई इंटरप्शन आ जाए इसमें, तो ये भी आपका क्या होगा, एक सिग्नल ही है। बट इन्फॉर्मेशन कन्वे बाय द नॉइज इज अनवांटेड एंड हैंस इट इज कंसीडर्ड एज अनडिजायरेबल। मतलब अगर ये नॉइज आती है तो ये सिग्नल एक अनडिजायरेबल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एक प्रकार से साइनोसोइडल ही आपको दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक सिग्नल आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो है सिग्नल आप देख सकते हैं, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सिग्नल, डिटर्मिनिस्टिक रैंडम सिग्नल, पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल, इवन ऑड सिग्नल, और एनर्जी एंड सिग्नल एंड पावर सिग्नल। इस वीडियो में मैं आपको एनर्जी और पावर सिग्नल के बारे में डीपली कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप देर ना करते हुए मैं इसके आगे डिस्कस करूँगा। और इससे पहले आपको छोटी सी चीज़ पता होना चाहिए कि कंटीन्यूअस क्या है, डिस्क्रीट क्या है। दोस्तों कंटीन्यूअस आप देख सकते हैं, साइनोसोइडल जो है ये कंटीन्यूअस होगा, लेकिन अगर मैं आपसे डिस्क्रीट बोलूँ तो डिस्क्रीट का मतलब जो आपको हर टाइम पर एक सिग्नल दे, इस प्रकार से आपने सिग्नल देखे होंगे, ये जो होगा ये आपका डिस्क्रीट सिग्नल होगा। इसी प्रकार से डिटर्मिनिस्टिक रैंडम सिग्नल, जो टाइम के रूप में हो, डिटर्मिनिस्टिक जो फ्रिक्वेंसी के रूप में हो, वो रैंडम हो गया। पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होगा जो आपको एक लगातार रिपीटेड है, जो लगातार रिपीटेड है, ये पीरियोडिक सिग्नल। अपीरियोडिक क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक सिग्नल है जो इस प्रकार से है, बस इतना ख़त्म हो गया, यानी कि सिग्नल सिर्फ इतना सा दिया गया, समझ रहे हैं, तो ये अपीरियोडिक हो गया। ऐसा ही बोल सकते हैं, मान लीजिए एक इस प्रकार का सिग्नल दिया, ये अपीरियोडिक है, या कोई रेक्टेंगुलर सिग्नल दिया इस प्रकार से दिया है, दिस इज़ ऑल्सो अपीरियोडिक सिग्नल। बट पीरियोडिक का मतलब ये हो गया, जैसे आपका कहीं इन्फाइनाइट से आ रहा है और कहीं इन्फाइनाइट तक जा रहा है। इवन ऑड सिग्नल इसी प्रकार से हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, मैंने इसके और भी वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। चलिए मैं एनर्जी और पावर सिग्नल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और इसके कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मैं रुंझ आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिएगा एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो आप इतना समझिएगा, एनर्जी उस सिग्नल में हमें प्राप्त होगी, एक बेसिक से अगर मैं बात करूँ, एनर्जी उस सिग्नल में प्राप्त होगी जो फाइनाइट है। अभी जैसे मैं डिस्कस कर रहा था ना, जो फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब जो अपीरियोडिक है, अपीरियोडिक मतलब जो पीरियोडिक नहीं है, जो रिपीटेड नहीं हो रही है, ठीक है, वो आपका एनर्जी सिग्नल है, ये आपको क्या देगा, एनर्जी, ठीक है। और अगर कोई सिग्नल इस प्रकार से रेंडम ये चला जा रहा है और इन्फाइनाइट तक चला जा रहा है, तो इस प्रकार का सिग्नल जो होगा वो होगा आपका पीरियोडिक, और पीरियोडिक में ही पावर मिलेगी। तो आप इतना याद रख लीजिए, जो भी पीरियोडिक होगा उसमें पावर मिलेगी, जिसमें इस प्रकार से ये चला आ रहा है, ये पीरियोडिक है, तो ये आपका पावर सिग्नल देगा, बस आपको इतना कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एनर्जी सिग्नल की बात करूँगा, एनर्जी सिग्नल है क्या, तो आप इसे समझिएगा, एनर्जी सिग्नल के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, ठीक है। सिग्नल कैन बी कैटेगराइज इनटू एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल, ठीक है, कोई भी सिग्नल जो है या तो वो एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा, ऐसा भी हो सकता है वो दोनों भी ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं आपको सारा बताने वाला हूँ।
तो एनर्जी या तो सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो सकता है या फिर पावर सिग्नल। एनर्जी सिग्नल हैज़ अ फाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट। दोस्तों अगर कोई एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल मैंने क्या बोला, फाइनाइट होगा, मान लीजिए इतना दिया गया है तो ये एनर्जी सिग्नल है। इस केस में इसकी पावर होगी ज़ीरो, क्या होगी, पावर ज़ीरो। अगर एनर्जी सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ यानी कि फाइनाइट है, तो यहाँ पे पावर हमेशा ज़ीरो होगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ भी है द पावर ऑफ द एनर्जी सिग्नल इज़ ज़ीरो, क्लियर है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स टी, जो भी आपको फंक्शन दिया इसका स्क्वायर, और डी टी, ये इसका फंक्शन हो जाएगा एनर्जी सिग्नल का। तो आप जैसे देख सकते हैं फॉर्मूला ई टी इक्वल्स टू लिमिट के फॉर्म में दिया है, फिर इंटीग्रेशन एक्स टी का स्क्वायर डी टी, यहाँ पे ये टाइम के फॉर्म में दिया है, और ये आपका एक्चुअली ये जो टाइम है ये कंटिन्यूस टाइम है, और स्मॉल एन जो है ये डिस्क्रीट टाइम है। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के फॉर्म में आपको ये दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में क्या लिखा है, सिग्नल हैविंग ओनली वन स्क्वायर पल्स इज एनर्जी सिग्नल। अगर कोई स्क्वायर पल्स दी गई है, ये आपका एनर्जी सिग्नल, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। सिग्नल दैट डिके द एक्सपोनेंशियल हैज फाइनाइट एनर्जी, यानी कि कोई इस प्रकार से कोई सिग्नल है आपका ऐसे डिके कर रहा है एक्सपोनेंशियल, ये भी आपका एक एनर्जी सिग्नल होगा। तो सभी को समझ में आ गया होगा एनर्जी सिग्नल क्या होगा, या तो आपका एक स्क्वायर फॉर्म मिल जाए या एक्सपोनेंशियली डिके करे तो ये एनर्जी सिग्नल होगा, यानी कि जो अपीरियोडिक हो, कुल मिला के जो पीरियोडिक ना हो, ये पीरियोडिक तो नहीं है यानी कि ये रिपीटेड तो नहीं हो रहा है ना, मतलब फंक्शन फिक्स है ना, तो ये एनर्जी सिग्नल हैं सारे, क्लियर है। चलिए हम लोग पावर सिग्नल की भी परिभाषा देख लेते हैं। पावर सिग्नल वेव सिग्नल होगा जो कि कैसा हो, तो पावर सिग्नल ऐसा फाइनाइट पावर यानी कि जीरो टू इनफाइनाइट के बीच हो, इसका मतलब ये हो गया इस प्रकार से सिग्नल चल रहा तो ये आपका पावर सिग्नल हो गया, पता नहीं इनफाइनाइट तक ये गया है। पावर सिग्नल इज नॉट लिमिटेड इन टाइम, ये लिमिटेड नहीं होता, मतलब ये अनवांटेड समय तक चलेगा, यानी कि ये कैसा होगा आपका, पीरियोडिक होगा। तो आप तो इतना याद रख लीजिए, कोई भी पीरियोडिक लिखा है यानी कि पावर देगा, ठीक है। इट ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम, आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट आपका दूसरा और पहला आ गया होगा, इट ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इट नेवर एंड्स, ठीक है, ये शुरू से लेकर लास्ट तक चलता है और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल साइन वेव इज अ इनफाइनाइट लेंथ इज पावर सिग्नल, तो आप देख सकते हैं साइन वेव इसी प्रकार से चलती है, यही चल रही है तो ये इनफाइनाइट आपको पावर देगी, ठीक है ना, इस प्रकार से यानी कि आपको पावर मिलेगा। तो इसका एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, तो एनर्जी कितनी होगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट तक चलेगा। लेकिन द पावर ऑफ द एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल का पावर ज़ीरो होता है, ठीक है, लेकिन एनर्जी ऑफ द पावर सिग्नल इज इनफाइनाइट। तो एनर्जी कितनी होगी, इनफाइनाइट, लेकिन अगर एनर्जी सिग्नल का पावर पूछे तो वो ज़ीरो, लेकिन पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल तो ज़ीरो हो गई, लेकिन एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल वो आपकी इनफाइनाइट, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, आपके सामने ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका टी है, इसमें और एन होता है, इस टी का मतलब होता है, आप समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इस टी का मतलब आपका होता है कंटीन्यूअस टाइम, और इस स्मॉल एन का मतलब होता है सैंपल यानी कि डिस्क्रीट टाइम। आई होप सभी को इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम इसके सिग्नल के बारे में समझेंगे, उससे पहले कुछ कंडीशंस को मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो देखिएगा कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देखिए सिग्नल कैन नॉट बी बोथ एनर्जी और पावर साइमल्टेनियसली, ऑल्सो सिग्नल में बी नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, यानी कि अगर हमें पता नहीं है कि सिग्नल एनर्जी या पावर, तो वो ना ही वो एनर्जी होगा ना ही वो पावर सिग्नल होगा, ठीक है। जनरली पीरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल, अभी मैंने बताया अपीरियोडिक सिग्नल आर एनर्जी सिग्नल, ठीक है। अगर आपको पता है नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, अगर सिग्नल है ना ही वो एनर्जी है ना ही पावर, तो उस केस में हमेशा उसकी पावर जीरो होगी और एनर्जी कैसे होगी, इनफाइनाइट होगी। अगर ये दोनों केस मिल रहा है, एनर्जी इनफाइनाइट मिल रही है, पावर जीरो मिल रही है, इसका मतलब इट इज़ नाइदर एनर्जी नॉर पावर, क्लियर है, ठीक है। चलिए हम सिग्नल को समझते हैं। अब देखिए आपको कोई भी इस प्रकार का अगर सिग्नल दिया गया है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बना दूँ इस प्रकार का सिग्नल, ठीक है ना, इस प्रकार का सिग्नल दे दिया गया, इस प्रकार का सिग्नल, ठीक है, इस प्रकार का सिग्नल और इस प्रकार का सिग्नल एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, तो ये सभी आपके कौन से सिग्नल होंगे, एनर्जी सिग्नल होंगे, क्योंकि ये फिक्स हैं, ये बार बार रिपीटेड नहीं हो रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर दे रहा हूँ, ये आपके सभी एनर्जी सिग्नल हैं, कौन से, एनर्जी सिग्नल। और एनर्जी सिग्नल क्या होंगे, आप ध्यान से समझते जाइएगा, कोई इस प्रकार का सिग्नल है ऐसे चल के आ रहा है तो ये एनर्जी सिग्नल है, कोई इस प्रकार का सिग्नल है ऐसे करके आ रहा है तो ये भी एनर्जी सिग्नल है, कोई अगर इस प्रकार का सिग्नल है
ऐसे ऐसे हाई डैम से लो डैम होता जा रहा है, या लो डैम से हाई हुआ और फिर हाई से लो हुआ, या फिर लो से हाई हो रहा है, ये सभी एनर्जी सिग्नल है। क्लियर है ना आपको? ठीक है, सभी को क्लियर है ना? ये आपके एनर्जी सिग्नल है। और एनर्जी सिग्नल इसमें से कौन कौन से होंगे वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करते रहूँगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई फिक्स सिग्नल है इस प्रकार से, ये एनर्जी सिग्नल है, ये आपका एक एनर्जी सिग्नल है, आपका एक फिक्स एम्पलीट्यूड दिया है, ये आपका एनर्जी सिग्नल है, ठीक है ना? ये भी आपके सभी एनर्जी सिग्नल है। कोई आपको इस प्रकार से सिग्नल दिया गया इतना सा, ये भी आपका एनर्जी सिग्नल है। कोई सिग्नल इस प्रकार से दिया गया, ये एनर्जी सिग्नल, बिकॉज दीज आर द फाइनाइट सिग्नल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पावर सिग्नल के बारे में, तो पावर सिग्नल आप समझ लेना। अगर मैं आपसे पावर की बात कर रहा हूँ, पावर सिग्नल, ये सभी बच्चे कॉपी में नोट कर लें। पावर सिग्नल होंगे, देखिए अगर कोई सिग्नल इस प्रकार से आ रहा है और इनफाइनाइट तक चला जा रहा है तो ये आपका पावर सिग्नल है, ठीक है? और पावर सिग्नल कैसे होगा, कोई इस प्रकार का सिग्नल है, यानी कि यहाँ पे लिखा है 1 एम्पलीट्यूड, यानी कि ये भी आपका एक पावर सिग्नल है। और पावर सिग्नल क्या होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ पावर सिग्नल की, ठीक है, तो अगर इस प्रकार का कोई सिग्नल चला गया तो आपका ये इनफाइनाइट तक अब चला गया तो ये भी आपका एक पावर सिग्नल है। ये सभी बच्चे नोट कर लें। इसी प्रकार से ऐसा कोई सिग्नल है, इस प्रकार से सिग्नल, तो ये भी आपका पावर सिग्नल है, ठीक है? ये सभी नोट कर लें, ये आपका एक पावर सिग्नल है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आता है यूटी। यूटी क्या है? यूटी एक पावर सिग्नल है या फिर एनर्जी सिग्नल? दोस्तों ये जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन यहाँ से ये बार बार रिपीटेड तो है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से रिपीटेड है तो ये एनर्जी सिग्नल ही कहलाएगा। तो ये अपवाद भी केस है, आप कुछ भी समझ लें, बट इसे याद कर लें, ये आपका एक एनर्जी सिग्नल की श्रेणी में आ जाएगा। जो यूटी फंक्शन है एनर्जी सिग्नल में हम इसे लेंगे, क्योंकि जीरो टू एक पर्टिकुलर किसी इन्फाइनट टाइम तक चल रहा है, जो इसका मतलब ही होता है जीरो से इन्फाइनट, इसीलिए एनर्जी सिग्नल है, क्योंकि यूटी का मतलब ही होता है जीरो टू इन्फाइनट, ठीक है? तो आई थिंक सभी को ये क्लियर हुआ होगा, ये भी आपका एनर्जी सिग्नल है। अब मैं बात कर रहा हूँ नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल के बारे में। तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल कौन से होंगे, तो मान लीजिए इस प्रकार का कोई सिग्नल चल रहा है तो ये नाइदर एनर्जी है नॉर पावर, इसमें पावर जीरो होगी और हमेशा इन्फाइनाइट इसमें एनर्जी होगी, ठीक है? तो सभी बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि मैंने यहाँ पे किस प्रकार से इसे डिस्कस किया, आपको कैसे समझाया सारे सिग्नल्स के बारे में, ठीक है? तो हम लोगों ने अभी तीन प्रकार के इसमें सिग्नल पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? हम लोगों ने इसमें एनर्जी सिग्नल पढ़ लिया है, एनर्जी और पावर पढ़ लिया है, और यहाँ पे नाइदर एनर्जी नॉर पावर, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इवन और ऑड के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है? एक बार मैं आपको एक ओरली यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसे समझ लीजिएगा, ठीक है? चलिए जैसे मान लीजिए मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, ठीक है? तो मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का कोई सिग्नल है, ये आपका कौन सा सिग्नल है आप बताएंगे, एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है? तो आई होप सभी को पता चल गया होगा ये एक फिक्स सिग्नल है, पीरियोडिक नहीं है, ये अपीरियोडिक है, इसीलिए एनर्जी सिग्नल है। क्लियर है, सभी को पता चल गया? मान लीजिए एक इस प्रकार का सिग्नल आपका आता है, ये आपका एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल, बताइए जल्दी बताएं, ठीक है? तो मुझे लग रहा है, देखिए बच्चों को समझ में आ रहा है, आपका ये भी फिक्स सिग्नल है, अपीरियोडिक कहेंगे इसे, क्यों? क्योंकि यहाँ से चला और यहाँ तक गया, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका एक एनर्जी सिग्नल है। अगर ये सिग्नल इस प्रकार का होता, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे बना दे रहा हूँ आपके सामने, अगर ये सिग्नल इस प्रकार से होता कि ऐसा आ रहा होता, इस प्रकार से आ रहा होता और ये इनफाइनाइट तक चला गया होता और इनफाइनाइट से कहीं आ रहा होता, ठीक है? तो अब ये पीरियोडिक हो गया। क्लियर हो रहा है ना सभी बच्चों को? अब ये पीरियोडिक हो गया, और जैसे ये पीरियोडिक हो गया यानी कि ये पावर सिग्नल है, ठीक है? ये पावर सिग्नल है। अच्छा, इस सिग्नल में और किस किस प्रकार से क्वेश्चंस दे सकते हैं, क्वेश्चंस में और बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें सिग्नल इस प्रकार से भी दे सकते हैं, ऐसा आपका सिग्नल बना दिया इंपल्स के किस में, यहाँ डॉट डॉट लगा दिया, डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर हो गया कि इनफाइनाइट तक जा रहा है और कहीं इनफाइनाइट से आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ पावर सिग्नल। जब भी आपको इनफाइनाइट तक जा रहा हो माइनस इनफाइनाइट से, तो ये सभी आपके पावर सिग्नल होंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से अब मैं कुछ वैल्यूज़ आपको दे रहा हूँ, अभी तो मैं सिग्नल बता रहा था, जैसे मान लीजिए 1/3 है, 1/3 में आपको मिलता है 0.33333, ये रिपीटेड है, यानी कि ये आपका पीरियोडिक है, तो ये बताइए एनर्जी या पावर है? तो सभी को पता चल गया 1/3 एक पावर सिग्नल है। एनर्जी सिग्नल क्या है? फिक्स। मान लीजिए आपको आपके पास है 1/2, तो आपको मिला 0.5, और 0.5 अगर मिल गया तो ये आपका एनर्जी सिग्नल आ गया, फिक्स हो गया ये, ठीक है? अगर फिक्स है तो कुल मिला के एनर्जी सिग्नल है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 2/6, तो 2/6 पता है आपको 1/3 होगा, तो यही हो गया,
टू बाई फाइव दिया तो आपका हो गया 0.4, और टू जैसे 0.4 हुआ तो आप समझ गए ये कौन सा है आपका एनर्जी सिग्नल, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका एनर्जी सिग्नल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एनर्जी सिग्नल क्या होंगे और इसमें पावर सिग्नल क्या होगा। इसी प्रकार से हम लोग ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, ये कौन किसको शो कर रहा है। ओके, आई थिंक सभी को ये क्लियर हुआ होगा। एक और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको पाई, ठीक है ना, पाई क्या होगा, तो जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पे पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142857 ऐसे करके आता है, ठीक है। एक और 22/7 हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है आपका 3.14, ये आपका रिपीटेड आता है। आप देखेंगे यही जो वैल्यू है, वैसे तो पाई और 22/7 सेम होता है, लेकिन 22/7 जब देंगे तो ये रिपीटेड आपको मिलता रहेगा। यानी कि 22/7 जो टर्म्स है ये आपका हो गया पीरियोडिक, और ये आपको दे रहा है पावर सिग्नल, जबकि पाई अकेला जो है इसमें सिंपली 3.142857 होता है ये एनर्जी सिग्नल। तो पाई अकेला एनर्जी सिग्नल देगा और 22/7 आपको पावर सिग्नल देगा। तो ये बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं होती, छोटी छोटी जानकारी है, तो आई थिंक सभी को एक क्लियर होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सही बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा एनर्जी पावर सिग्नल के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर चैनल को दोस्तों, और शेयर जरूर कराएँ जितना आप कर पाएँ। ओके, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।